सो हेलो एवरीवन आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की जिसका नाम है मशरूम मटर तो ये रेसिपी जो है आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कि बनेगी बहुत ही डिलीशियस बहुत ही यमी एंड इसका जो टेस्ट होगा ना वो इतना ज़्यादा अच्छा होगा मैं क्या ही बताऊँ आप जब इसे बनाइएगा ना लोग आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे एंड ये रेसिपी बनेगी बहुत ही क्विक एंड इजी वे में बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से तो इस रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखिएगा वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इसी तरह मुझे इनकरेज करते रहिएगा तो चलिए आइस रेसिपी को देखते हैं स्टार्ट तो मशरूम मटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है मशरूम बिल्कुल फ्रेश मशरूम्स मैंने लिए हैं एंड इस तरह से मैंने इसे हाफ पीसेज में कट कर दिया है और इसका जो एंड पोर्शन है मैंने वो भी काट के हटा दिया है अगर मशरूम थोड़े बड़े हो तो हम इन्हें चार पीसेज में इस तरह से कट करेंगे तो इस तरह से मैंने सारे मशरूम्स को कट कर लिए हैं मैंने ऑलमोस्ट टू हंड्रेड एंड फिफ्टी ग्राम्स ऑफ मशरूम लिया है ढाई सौ ग्राम एंड uh, उसके बाद मैंने क्या किया इसे अच्छे से वॉश कर दिया है तो इसमें पानी डाल के हमें अच्छे से हाथों से रगड़ कर इसे वॉश कर लेना है ये बिल्कुल सही तरीका होता है मशरूम को बिल्कुल साफ करने का अब हम क्या करेंगे हम लेंगे कढ़ाई और उसमें ऐड करेंगे ऑयल तो मैंने यहाँ ऑलमोस्ट पाँच से छः टेबल स्पून ऑयल डाला है एंड उसके बाद मैं इसमें एक टेबल स्पून बटर भी ऐड कर रही हूँ जो इसको बहुत अच्छा टेस्ट देगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑलमोस्ट एक टेबल स्पून जीरा तो मैंने यहाँ एक टेबल स्पून जीरा डाल दिया है जब जीरा थोड़ा ब्राउन हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे आठ से दस लहसुन बारीक कटे हुए और एक इंच अदरक बारीक कटा हुआ साथ ही मैंने इसमें डाला है तीन से चार हरी मिर्च बारीक कटे हुए इसके बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब मैंने यहाँ दो बड़े प्याज फाइनली चॉप्ट करके इसमें ऐड कर दिया है अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ब्राउन होने देंगे जब प्याज थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च तो मैंने ऑलमोस्ट हाफ शिमला मिर्च इसमें ऐड किया है वो भी मैंने फाइनली चॉप्ड कर दिया है अब हम इसे अच्छे से सॉटे करेंगे सो so, एक से दो मिनट इसे सॉटे करने के बाद जब ये हल्का भुन जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट तो मैंने यहाँ एक बड़ा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके इसे एक मिनट के लिए भूनेंगे एक मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने सूखे मसाले तो उसमें मैंने सबसे पहले इसमें डाला है तो मैंने यहाँ एक टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है उसके बाद मैंने इसमें डाला है एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर एंड देन एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर उसके बाद मैंने यहाँ हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है जीरा पाउडर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के हम क्या करेंगे इसे अच्छे से मसालों को मिक्स कर देंगे प्याज के साथ और फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक तो मैंने यहाँ स्वाद के अनुसार नमक डाला है अब हम नमक को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे तो ऑलमोस्ट तीन से चार मिनट हम इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे उसके बाद हमें एक पेस्ट फॉर्म करना है जिसके लिए मैंने लिया एक हरी मिर्च आठ काजू दो बड़े टमाटर और दो प्याज तो आप इस तरह से इसे रफली चॉप कर लें और इस जार में डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट फॉर्म कर लें तो इसका पेस्ट फॉर्म होने के बाद और तीन से चार मिनट मसालों को भूनने के बाद हम ये पेस्ट इसमें डाल देंगे इसे डालकर फिर हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भुनेंगे एक से दो मिनट इसे लो फ्लेम पे भुनें और फिर फ्लेम को मीडियम करके इसे तीन से चार मिनट और भुने तो इस तरह से धीरे धीरे हम इसे भूनेंगे ये जो रेसिपी बनेगी ना बहुत जल्दी बन जाती है उतना इसमें तामझाम नहीं है लेकिन बनती है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की एंड मशरूम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देता है हमारे बॉडी को अब इस मोमेंट पे हम इसमें ऐड करने वाले हैं कश्मीरी मिर्च जो कि इसको बहुत अच्छा कलर देगी तो मैंने यहां 1 டேबलस्पून लाल कश्मीरी मिर्च इसमें ऐड कर दिया है अब इसे भी डालकर हम इसे अच्छे से भूनेंगे तो अब हम क्या करेंगे हम मसालों को थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे भुनेंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे इसे थोड़ी देर तक आप चलाएं और भुनें ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगी हमारी रेसिपी को एंड यकीन मानिए ये, ये डिश बहुत अच्छी बनने वाली है आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा एंड मीन वाल आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी जब मसाले अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे मटर तो मैंने ऑलमोस्ट हाफ बाउल मटर ऐड किया है एंड जो मशरूम्स हमने वॉश करके रखे थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है हमें मशरूम को बिल्कुल भी बॉय या फ्राई करने की जरूरत नहीं है या आप इसी तरह से इसे डालें मशरूम जो है ना वो अपना पानी खुद छोड़ता है तो आप इसे अच्छे से मिक्स करके जब थोड़ी देर के लिए ढक दीजिएगा ना तो इसमें खुद ही बहुत सारा पानी आ जाएगा तो आप इसे अच्छे से पहले मिक्स कर दें और इसे मिक्स करके एक दो मिनट तक भून लें सो एक दो मिनट भूनने के बाद अब हम क्या करेंगे इसे कवर करके छोड़ देंगे तो मैंने यहाँ एक कवर लेट के हेल्प से इसे कवर कर दिया है और इसे दो मिनट से तीन मिनट तक हम क्या करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके छोड़ देंगे तो ये देखिए दो से तीन मिनट इसे कवर करने के बाद आप देख सकते हैं कि मशरूम बिल्कुल अपना पानी छोड़ चुका है एंड लग रहा है ना बहुत देखने में यमी तो इस पानी को हम थोड़ा सा बिल्कुल ड्राई करेंगे इसे अच्छे से थोड़ी देर भूनेंगे तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगी हमारी रेसिपी को तो फिर से इसे मैंने दो मिनट के लिए ढक दिया है एंड अब हम क्या करेंगे इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे तो दो मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं हमारा मटर भी बिल्कुल अच्छे से पक चुका है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है तो इस मोमेंट पे अब हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे गर्म मसाला तो मैंने यहाँ हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा गर्म मसाला पाउडर ऐड किया है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड मिक्स करने के बाद हम इसे एक से दो मिनट तक भूनेंगे तो इसे एक से दो मिनट अच्छे से भूनिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे एंड उसके बाद अब हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे पानी तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट वन ग्लास वाटर ऐड किया है क्योंकि हमारे मटर भी बिल्कुल पक चुके हैं मशरूम भी ऑलमोस्ट डन है तो आप अपने अकॉर्डिंग ही पानी इसमें ऐड कीजिएगा जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल लटपट ग्रेवी रखिएगा बहुत अच्छा टेस्ट देगा ये तो अब हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा डालेंगे कस्तूरी मेथी तो मैंने का पत्ता तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक देंगे बस हमें इसमें एक बॉइल आने देना है तो ये देखिए हमारी सब्जी में बॉइल आ चुका है दो मिनट ढकने के बाद अब हम क्या करेंगे गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसमें डालेंगे ऑलमोस्ट टू टेबल स्पून ऑफ मिल्क क्रीम जैसे बहुत ही रिच फ्लेवर देगा तो दो टेबल स्पून मैंने इसमें मिल्क क्रीम ऐड किया आप चाहे तो घर की मलाई भी यूज कर सकते हैं एज यू विश उसके बाद ये हमारी रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है सो आप देख सकते हैं लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल एंड बहुत ही यमी लगने वाली है अब लास्ट में इसमें मैं एक तड़का क्या दूंगी मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पनीर तो मैंने यहाँ एक क्यूब पनीर का इसे अच्छे से बिल्कुल घसकर इसमें डाल दिया है तो ये जो है ना हमारी ग्रेवी का कुछ अलग ही फ्लेवर देगा एंड बहुत ही टेस्टी बनाएगा तो आप इस तरीके से एक बार से जरूर ट्राई कीजिएगा आपकी सब्जी जो है ना बनकर इतनी अच्छी होगी कि मैं क्या ही बताऊं तो ये हमारी रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है तो ये मशरूम बटर मैंने आप बनाया मैंने ऊपर से इसमें गार्निशिंग के लिए क्रीम डाला है और डाला है एक धनिया पत्ता सब्जी गर्म होने की वजह से क्रीम पूरा फैल गया है सो प्लीज अवॉइड इट एंड ये रेसिपी बन गई बहुत ही झटपट से बहुत ही ईजी तरीके से एंड बहुत ही ज्यादा डिलीशियस जब आप इसे घर में सर्व कीजिएगा या कोई गेस्ट आएंगे तो सर्व कीजिएगा तो लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे और साथ ही ये देखने में भी इतनी अच्छी लगती है ना कि देख के ही मुँह में पानी आ जाता है तो इस रेसिपी को आप सर्व कर सकते हैं नान के साथ कुलचे के साथ या फिर लच्छे पराठे के साथ तो मैंने यहाँ गेहूँ का पराठा बनाया है एंड ये ना बहुत डिलीशियस लगता है पराठों के साथ मगर आप चाहें तो इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं ये बहुत यमी लगने वाला है तो इस रेसिपी को जरूर 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 से ट्राई कीजिएगा बहुत हेल्दी रेसिपी है एंड बहुत ही ज़्यादा यमी है सो so, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की तो ये कैसी बनी टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग